Subscribe to our channel and press the bell icon and you would never miss an update from Dreamshot. Hi friends, welcome once again to Dreamshot. ये स्पेसिफिक वीडियो मुझे लगा मैं हिंदी में बनाऊंगा क्योंकि जो मैसेजेस मुझे आता था, जो क्वेश्चंस मेरे फेसबुक पेज में या फिर मेरे वीडियो की कमेंट्स में जो आता था वो ज़्यादातर हिंदी में था। तो इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना कैनन वर्सेस निकॉन वर्सेस सोनी की जो वीडियो है मैं सिर्फ हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस के लिए बनाऊँ। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, सो आई होप आई मेक सेंस विद द लैंग्वेज। प्रीवियसली जब मैंने कैनन वर्सेस निकॉन की वीडियो बनाया था तब मुझे लगा था कि सोनी के ऊपर डिस्कस करना शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं था उस टाइम पे, बट टुडे सोनी इज़ अ बिग डील। सो नाउ द कंपैरिजन वुड बी कैनन वर्सेस निकॉन वर्सेस सोनी। इतने सारे कमेंट्स जो मैंने देखा, लोग पूछ रहे हैं कि कौन सा DSLR ले, DSLR 1 या DSLR 2, कैनन का ये DSLR या सोनी का ये DSLR। मुझे जेन्युइनली लगता है दिस इज़ नॉट द राइट क्वेश्चन टू आस्क। टू बी वेरी फ्रैंक, DSLR का जो बॉडी होता है इट विल नॉट बी द सोल डिसाइडिंग फैक्टर एक फ़ोटोज़ अच्छा आने के लिए। काफ़ी सारे क्वेश्चंस का मैंने आंसर दिया। कुछ का आंसर्स मुझे ऑलरेडी पता था, कुछ आंसर्स मुझे इंटरनेट में सर्च करके या फिर हैंड्स ऑन करके मुझे वो उसका रिस्पॉन्स देना पड़ा। तो हो सकता है कि थोड़ा सा डिले हुआ हो उस पर्टिकुलर कमेंट के रिस्पॉन्स के लिए। निकॉन, कैनन और सोनी, इसमें से किसका जो इमेज क्वालिटी बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है? टू बी वेरी फ्रैंक, कैनन ने जैसे अच्छा DSLR बॉडी बनाना ही छोड़ दिया है। 5D Mark III के बाद 5D Mark IV आया। अपग्रेड तो था, थोड़ा सा बेहतर तो था, लेकिन उतना भी इम्प्रेसिव नहीं था। 4K वीडियो भले ही था, लेकिन काफ़ी सारे जो मेरे वीडियोग्राफर फ्रेंड्स हैं उनको उसकी 4K इमेज क्वालिटी से भी प्रॉब्लम है। अगर आपको सिर्फ DSLR बॉडी से मतलब है देन देर इज़ नो कन्फ्यूजन इन द इमेज क्वालिटी ऑफ निकॉन एंड कैनन इन द सेम प्राइस रेंज, क्योंकि निकॉन एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज में कैनन कैमरा से काफ़ी अच्छा क्वालिटी देता है और सोनी तो उससे भी बेहतर। कैनन को अपनी जो DSLR है और नया जो मिररलेस कैमरास आ रहे हैं तो बॉडी पे काफ़ी वर्क करना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी इमेज क्वालिटी जो है वो निकॉन और सोनी पे मैच नहीं करता है। जो 70-200 कैनन की लेंस है वो टॉप क्लास लेंस है, वैसे ही उनकी जो पुराने जो लेंसेस है 24-70, 50mm, 85mm ये इतने अच्छे हैं। DSLR बॉडी की जो इमेज क्वालिटी इश्यूज़ है उसका कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। जब हम फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो जहाँ पे हम लोग पोर्ट्रेट पिक्चर्स, वेडिंग पिक्चर्स और फैशन पिक्चर्स यही ज़्यादातर शेयर होता है और इनमें लेंस की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। कोई भी कैनन बॉडी ले लो और ये अल्टीमेट लेंसेस उस बॉडी के साथ आ जाता है, देन इट क्रिएट्स मैजिक। तो ये सारे जो बहुत पुराने लेंसेस है, टॉप क्लास लेंसेस है, नया कुछ अच्छा नहीं बना रहा है कैनन। जो पुराने हैं, जो कुछ 10 साल से है, कुछ 2-3 साल पहले से है, दे मेक अमेजिंग इमेजेस। निकॉन अच्छा लेंसेस बना रहा है, मार्केट में नया लेंसेस लेके आ रहे हैं, लेकिन कैनन का जो मास्टर लेंसेस हैं उनकी क्लास अभी तक मैच किया नहीं, मैच करना बाकी है। पिछली बार कैनन वर्सेस निकॉन में मैंने एक बात बताया था, 70-200 2.8 जो कैनन का जो लेंस है वैसे लेंस अब तक बना ही नहीं। वो बात आज भी काफ़ी हद तक सही है, लेकिन निकॉन ने अभी अपग्रेड करके उसका जो नया वर्जन है 70-200 काफ़ी हद तक बेहतर बना दिया और 70-200 की बहुत पास है, कैनन 70-200 की बहुत पास है। सोनी तो काफ़ी पीछे है लेंसेज के मामले में। सोनी को जितना भी अच्छाई, जितना भी पॉजिटिव, जितना भी एडवांटेजेस है वो सारे अपने कैमरा बॉडी के अंदर डाल चुका है। लेंसेज का ऑप्शंस बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। अगर आप एडाप्टर डाल के कोई दूसरे ब्रांड का कैनन, निकॉन या कहीं कोई और ब्रांड का अगर लेंसेज भी यूज़ करेंगे तो मुझे नहीं लगता वो क्वालिटी मैच हो पाएगा जब एक पर्टिकुलर ब्रांड का बॉडी और उसी ब्रांड का लेंसेज जब हम यूज़ करते हैं। तो अगर हम बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो पहले सोनी का बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन अभी जो सोनी जो अपने कैमरा बॉडीज़ जो रिलीज़ कर रही है उसके साथ दे हैव अपग्रेडेड द बैटरी और काफ़ी हद तक कैनन और निकॉन को मैच कर दे रहा है। तो बैटरी इश्यूज़ जो पहले था वो अभी नहीं है। कैमरा साइज़ की अगर हम बात करें तो सोनी का बहुत कॉम्पैक्ट है, काफ़ी लोगों के लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा, खास करके जब हम फैमिली पार्टीज़ में जाते हैं, जब फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जाते हैं। देन वी डू नॉट वांट टू होल्ड दैट बिग कैमरा जिसको रखने में पकड़ने में भी प्रॉब्लम हो। कोई एक कॉम्पैक्ट कैमरा विद ए स्मॉल लेंस अगर हम कॉम्बिनेशन मिल जाए तो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो उस हिसाब से सोनी बहुत अच्छा है। अगर हम वीडियो क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो एक टाइम था जब काफ़ी सारे कैनन यूज़र्स प्राउड फील होते थे कि कैनन जैसा वीडियो कोई नहीं बना सकता, लेकिन अब टाइम चेंज हो चुका है। सोनी टॉप क्लास वीडियोस बनाता है, आई मीन 4K वीडियोस में तो सोनी बहुत ऊपर है। और निकॉन का जो रिसेंट रिलीज़ है शायद D850, वो भी 4K वीडियोस बहुत अच्छा बनाता है। और कैनन का जो 5D Mark IV है उसका जो 4K वीडियो का अभी भी कुछ यूज़र्स को प्रॉब्लम है इमेज क्वालिटी को लेके। इफ़ यू आर 5D Mark III यूज़र्स, आपको अभी 5D Mark IV पे अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि कैनन माइट कम अप विद अ एंटायरली डिफरेंट कैमरा विच इज़ अमेजिंग, या हो सकता है आपको सोनी का ऑल्टरनेट के बारे में सोचना पड़े। बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर। कैनन और निकॉन की जो DSLR है उसका ऑप्टिकल व्यू फाइंडर है, और अगर आपको आदत हो चुका है ऑप्टिकल व्यू फाइंडर से तो ठीक है। जब हम कोई भी फंक्शन में फ़ोटोज़ क्लिक करते रहते हैं तो बीच में एक बार देख लेते हैं, देख के श्योर करते हैं कि ब्राइटनेस ज़्यादा, एक्सपोजर ज़्यादा तो नहीं हो गया, कम तो नहीं करना पड़ जाएगा। तो एक बार हम श्योर हो जाए उसके बाद हम फिर कंटिन्यू करते हैं। इस बीच में हो सकता है कि कुछ एक आध इम्पॉर्टेंट शॉट्स मिस हो जाए। ये जो लिमिटेशन है ये सोनी में नहीं है। जो पिक्चर्स हम क्लिक कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर से वैसे ही देख रहे हैं जैसे पिक्चर आने वाला है, तो इस तरीके से उसको निकाल के देख के वापस क्लिक करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो जिनको ऑप्टिकल व्यू फाइंडर अच्छा लगता है उनको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो अलग बात है। लेकिन जो नया कैमरा लेने वाले हैं उनको सोनी की जो इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है वो ऑप्टिकल व्यू फाइंडर से कहीं ज़्यादा ईजी और अच्छा लगेगा। सबसे बड़ा एडवांटेज सोनी का है उसका स्टेबलाइजेशन। काफ़ी सारे लेंसेस जो कैनन या निकॉन में, जब इमेज स्टेबलाइजेशन जो कैनन में जो IS होता है, जो शायद निकॉन में VR होता है, ये अगर लेंस में एडेड है तो उस लेंस का प्राइस बढ़ जाता है। सोचो अगर आपकी जो बॉडी है उस बॉडी में ही अगर इमेज स्टेबलाइजेशन है, देन यू डोंट हैव टू ब्रेक योर हेड फॉर इमेज स्टेबलाइजर इन द लेंस। अगर मैं समराइज़ करूँ इन सारी चीज़ों का तो कैनन एक कॉर्नर में है जिनका लेंस बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल उनका अच्छा बॉडीज आ ही नहीं रहा है। अगर हम निकॉन के बारे में बोलें तो निकॉन लेंसेस को भी मेंटेन कर चुका है और बॉडीज़ को भी मेंटेन कर चुका है। इट्स अप टू यू, आप कौन सा लेंस और कौन सा DSLR बॉडी का कॉम्बिनेशन करके एक अच्छा फ़ोटो खींच पाएंगे। कमिंग टू सोनी, सोनी की जो बॉडी है वो टॉप क्लास है। कैनन और निकॉन को काफ़ी पीछे छोड़ चुका है वो, लेकिन लेंसेस का ऑप्शंस बहुत कम है। हो सकता है कि अगले 1-2 साल में सोनी में काफ़ी सारे लेंसेस के ऑप्शंस आए, लेकिन ये भी हो सकता है कि अगले 1-8 साल में कैनन माइट कम अप विथ रियली गुड बॉडीज़। तो सवाल आता है आपके लिए कौन सा अच्छा DSLR या मिररलेस कैमरा है। अगर आप एंट्री लेवल DSLRs की बात करें, अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे सोच नहीं रहे हैं, सिर्फ घर पे फैमिली फंक्शन में या फिर रैंडम पिक्चर्स क्लिक करने के लिए एक DSLR की ज़रूरत है और लेंस का जो ऑप्शंस है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक रेगुलर किट लेंस की ज़रूरत है आपको बस, इन दैट केस आई वुड से गो फॉर निकॉन। और फैशन, पोर्ट्रेट्स और वेडिंग्स में जाना चाहते हो तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा कि आपको DSLR बहुत अच्छा हो ये इम्पॉर्टेंट है, या फिर कुछ लेंसेस, इतने अच्छे लेंसेस 70-200, 24-70, 50mm, 85mm, ऐसे लेंसेस आपको मिल जाए कि DSLR कुछ खास नहीं तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको अमेजिंग पिक्चर्स तो मिल ही जाएगा। अगर आप कैनन और निकॉन के लिए कन्फाइंड नहीं हैं, आप ओपन हैं कोई भी कैमरा को लेने के लिए, तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर सोनी मिररलेस। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लिमिटेशन हो लेंसेस के मामले में, लेकिन सोनी जिस तरीके से कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रख के जो भी अपग्रेड्स किया है, अभी एक ही चीज़ बचा हुआ है उसका लेंसेस। आई एम प्रिटी श्योर सोनी विल कम अप विथ रियली गुड लेंसेस, तो आप एक कॉम्पैक्ट सोनी मिररलेस ले लीजिएगा। इफ़ यू आस्क मी, मेरे पास कैनन 5D Mark III है और कुछ अच्छे लेंसेस है कैनन के। फ़िलहाल तो मैं कुछ चेंजेस करने नहीं जाऊँगा। इफ़ सोनी कम्स अप विथ रियली गुड लेंसेस, शायद उस टाइम पे मैं कैनन से सोनी पे स्विच करूँगा। बट इन केस कैनन कम्स अप विथ रियली गुड मिररलेस बॉडी, तो मैं वही कैनन की कॉम्बिनेशन में रहूँगा, निकॉन या सोनी पे कभी नहीं जाऊँगा। होपफुली कैनन मैन्युफैक्चर करे, उसकी बहुत ज़रूरत है, एक अच्छे बॉडी की बहुत ज़रूरत है कैनन के लिए।